يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी जी सुबह का टाइम हो रहा है, बल्कि आलमोस्ट आफ्टरनून हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह करके जुरियस को थोड़ा सा बिज़ी करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब से वो बीमार हुआ है ना, आलमोस्ट 3 to 4 days हो गए हैं। अब बेहतर तो हो गया है वो, लेकिन बहुत क्रैंकी हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद करने लग गया है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम मुझे उसके साथ स्पेंड करना पड़ता है, उसको बिज़ी रखना पड़ता है, फिर ही मैं बाहर निकल के कोई अपना दूसरा काम कर सकती, वरना वो मुझे बिल्कुल नहीं उठने देता। अभी जी मैंने लॉन्ड्री बास्केट ओपन किया और उसमें काफ़ी कपड़े हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा लेती हूँ। ईद आएगी तो आई होप सो ईद से पहले भी मैं एक दफ़ा मशीन लगा लूँगी, मे बी वीकेंड पे, क्योंकि अब यही वीकेंड हमारे पास बचा है। इसके बाद इंशाल्लाह ईद स्टार्ट हो जाएगी, ईद का वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने काफ़ी कपड़े निकाल लिए और उनके सारे पाइल्स इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मैं अलग अलग करके ही कपड़े वगैरह जो है वो डाल। और आज गर्मी इतनी है कि मैं जैसे ही रूम से फ़ोन बाहर लेके आती हूँ, मेरा फ़ोन जो है वो देखें स्टॉप हो जाता है, स्टक होने लग जाता है। और यहाँ पे कपड़ों का रश, और आज तो कपड़े इतने ज़्यादा हुए हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर इसको मैं अभी करती हूँ रेंज, फ़ोन स्ट्रक हो रहा है तो खैर मैं इसको भी बंद करती हूँ, इसको थोड़ा सा कूल डाउन करती हूँ और फिर मिलती हूँ। यहाँ पे जो किचन की ये कंडीशन है इस वक्त, बर्तन मैंने वॉश किए हैं, जुरेस के फीडर भी बॉयल हो चुके हैं और वाटर बॉटल भी वॉश हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने ये बनाना है जुरेस के लिए, अब इसकी दुआ हुआ है। अब जी मैं दोबारा से रूम में आ गई हूँ, क्योंकि जुरेस बहुत क्रैंकी हुआ है, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन किया है, टॉयज़ निकाले हैं, कार्टून्स लगा के दिए हैं। और आज इतनी धूप है ना, अभी 2:30 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है। रूम में देखें काफ़ी हद तक कवर हो गई है, लेकिन फिर भी आती है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि आज कितनी तेज़ धूप है। आइए देखें, जैसे ही डोर ओपन होता है फुल तेज़ धूप जो है वो बाहर वेट कर रही होती है। देखें अभी जी कपड़े काफ़ी धुल भी गए हैं और काफ़ी रहते भी हैं, तो वन बाय वन जो है वो मैं ये आज सारे कंप्लीट कर लूँगी। That you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living. यहाँ पे जी मेरा फर्स्ट पाइल जो वॉश हो चुका है, अभी काफ़ी रहते भी हैं, तो चलें किचन में चलते हैं। और यहाँ पे मैं जुरेस का जो कीमा है वो रेडी करने लगी हूँ, इसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी फ्रीज हुआ होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कीमा भी ऐड कर दिया, और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँ। यहाँ पे जी मैंने जुरेस को सुला दिया, काफ़ी क्रैंकी वो आवाज़ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सुला देती हूँ, और सोने में भी इसने काफ़ी टाइम लिया। एसी ऑन हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी हुई हुई है रूम में। और जी उसके बाद अब यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अपना मील इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब तक जुरेस उठा होता है तो मैं कुछ भी आराम से बैठ के नहीं कर सकती। तो खैर मैं अपना मील इंजॉय करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप जो कल के बाद। मैं कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी, अभी जी सुबह के आलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं, फजर का टाइम हो रहा है, लेकिन रूम की कंडीशन देखें इस वक्त ये हुई है। तो खैर चले सबसे पहले रूम क्लीन करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखिए सेकंड्स में मैंने रूम क्लीन कर लिया है, जुरेस अब दोबारा उठ गया है, तो खैर पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं मिलती हूँ अगेन आपसे मॉर्निंग व्लॉग। गुड मॉर्निंग अगेन। और जी मुझे लग रहा था कि आज तो मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर सकूँगी, क्योंकि जुरेस बहुत क्रैंकी हुआ हुआ है, तो खैर अभी वो लेटा हुआ है, उसने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि वो बात बात पे क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद ये सीन तो चलता रहेगा, तो मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ। तो चलें सबसे पहले अलमारी जो है वो क्लीन अप करते हैं। Oh
किसी तरीके से जुरेज को चुप करवाया और जोहर की नमाज का टाइम हो गया है। या नफ्सु इन लम तफरी ला तज़ई, या नफ्सु इन लम तफरी ला तज़ई وإلى موائد جود مولا इसका काफ़ी मूड अपसेट हुआ हुआ है, तो मेरा ख्याल है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी, तो मैंने व्लॉग जो है वो बंद कर दिया था। लेकिन अभी आलमोस्ट रात के 9:30 हो रहे हैं और अभी देखें जी बकरे आए हैं, इनको देख के जुरेज़ का थोड़ा सा मूड जो है वो अच्छा हो गया था और वो हैप्पी हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं व्लॉग भी अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। प्रॉपर वीडियो या क्लिप जो है वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं व्लॉग यहीं पर एंड करने लगी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री और सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।